हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आ चुका हूँ दोबारा नई वीडियो के साथ। फ्री फायर का जो ये BTS बंडल रिटर्न आ चुका है, तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट स्पिन में इसको निकाल के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं और ये बताइए कि किस किसने कटाना निकाल लिया है टोकन से। जिस जिसने निकाल लिया है वो कमेंट में बताइए। और मेरे आप कैसे हो भाई? गाइस आप बताओ पहले, कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताना आप सब कैसे हो और आप किधर से हो, ये सब भी बताना। तो हम आ चुके हैं अब आईडी में। तो गाइस देखते हैं अब हम क्या करते हैं। जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ वैसे वैसे करना, कुछ भी अलग मत करना। जिस ट्रिक को मैं करता हूँ उसी ट्रिक को तुम भी करना, तो तुम्हारा फर्स्ट स्पिन में पक्का निकलेगा। आपके ज़्यादा डायमंड नहीं खर्च होंगे। जैसे कि जिस चीज़ को आपको निकालना है उस पर टैप कर दीजिए, जो जो मतलब करना है आपको, जो चाहिए। तो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये ग्लू वॉल है और ये बाकी और भी आइटम है इसके अंदर। बाइक हो गई जैसे, और कार हो गई, ये भी बहुत लेजेंडरी है। और टोकन्स से भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम गोल्ड रॉयल पे आके पहले फर्स्ट स्पिन गोल्ड रॉयल का चलाते हैं एक बार, ऐसा करता जा रहा हूँ। और फिर एक 10 का स्पिन मारना है आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। फिर एक और 10 का स्पिन मारना है, अगर आपके बहुत ऑप्शन हो तो और 10 का स्पिन मार लेना। फिर उसके बाद कट करना, और उसके बाद कैरेक्टर को, जो करेक्टर सबसे बेकार है, जैसे कि मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सेलेक्ट करो। मैं नुल्ला करेक्टर सेलेक्ट करूँगा, नुल्ला करेक्टर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर चैनल वाले, जो यूट्यूब चैनल पर जो लोग होते हैं वो एडम यूज़ करते हैं। हम नुल्ला यूज़ करेंगे। और अब इस करेक्टर के पहले पूरी ड्रेस अब को पहले नूब बना लीजिए। पहले आप सारी ड्रेस को अनइक्विप कर दीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, आपको देखने में बोर ना हो इसलिए मैं कर देता हूँ। और गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और हम इसको पक्का मैक्सिमम 100 डायमंड में, 100 नहीं तो 200 डायमंड तो मेरे हम आईडी में है, 200 डायमंड में कोई दो आइटम तो मैं पक्का निकाल के दिखाऊंगा आपको इस ट्रिक को आजमाने के बाद। आप सारे ड्रेस चेंज कर ली, आपको सारे वेपन भी अपने अनइक्विप कर लेने हैं, ऑल वेपन अनइक्विप कर लेने हैं। जैसे मेरी गन कलेक्शन भी आपको दिख ही जाएगी क्या है, तो आपको सारी अनइक्विप करना है जल्दी जल्दी। और अगर मेरे साथ आप खेलना चाहते हो तो अपनी कमेंट में UID दे दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट डाल दूँगा। तो जल्दी जल्दी हम अनइक्विप कर लेते हैं सारी वेपनों को। तो आपकी कौन सी फेवरेट वेपन है ये भी कमेंट में बताना, और मैं लाइव भी करता हूँ कभी कभी। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं तो मैं लाइव करता हूँ तो शायद बहुत कम व्यूज़ आते हैं, इस वजह से मैं लाइव नहीं कम करता हूँ। आप अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे या से आपकी सपोर्ट करोगे तो हम अपने लाइव पे आ सकेंगे अच्छे से। तो हम यहाँ जल्दी जल्दी पहले वेपन अनइक्विप कर लेते हैं। चलो करो जल्दी करो। USP भी कर ली, डेजर्ट और G18 और M137, क्या नाम है इसका, कुछ भी। मील भी देखो मेरे काफ़ी अच्छी है, और परांग भी है, और बैट है, कटाना है, और साइट है, और FF नाइफ है, और फिश तो शायद मेरे पे नहीं है। फिश निकालूंगा अब आएगी जो भी ट्रेंड में वो वाली निकालूंगा। और ग्लोवल्स भी अच्छी खासी है मेरे पास, और ये सब। और आपको अब सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको जाना है फिर से स्पिन मारने। अब हम पहला स्पिन मारते हैं अपना, देखते हैं, आप देख सकते हैं क्या निकलेगा पहले। अब फिर जो भी वाउचर हो ना, कोई वेपन वाउचर चला देना पहले, आपके पास कोई वाउचर बचे ना इसलिए। और फिर जाके मारना आप डायरेक्टली, कहाँ गया ये, हाँ ये रहा। अब यहाँ जाके आप अपना स्पिन मारो 40 का, और 40 का स्पिन मारने के बाद देखिए गाइस क्या होता है। देखो मैंने जैसे कहा था वो ही हुआ। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो फर्स्ट स्पिन में ही मेरा इमोट निकल गया है यहीं पे। तो इस ट्रिक को आजमाओ के देखो एक बार, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। आपका फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में तो ज़रूर निकलेगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में निकलेगा।
मगर स्पिन आप 40 का करना। देखा गाइस आपने निकल गया है, हमारा निकल गया है यहीं पे। तो फिर हम जाके यहाँ से अब सेटिंग पे जाकर क्लियर कैश कर लेते हैं थोड़ा सा, तो जो होता है बाकी उसको क्लियर हो जाएगा वो थोड़ा। फिर से हम क्लियर करने के बाद फिर चल देंगे स्पिन मारने। तो फिर यहाँ से कट करते हैं और हम लक रॉयल में जाकर अब थोड़ा गोल्ड रॉयल चलाते हैं एक बार। वन स्पिन गोल्ड रॉयल का मारते हैं और उसके बाद हम सीधा जाएंगे फिर से स्पिन मारने। मुझे लगता है क्या होगा गाइस, कमेंट बताना अब क्या होगा। फर्स्ट स्पिन में तो हमें एक रेयर आइटम मिल चुका है और यहीं पे सेकंड स्पिन देखते हैं क्या निकलता है। सेकंड स्पिन में क्या निकलता है गाइस, सेकंड स्पिन में कुछ नहीं निकला है, कुछ नहीं निकला, हार दिया भाई। फर्स्ट स्पिन में ही निकलेगा क्योंकि ये ट्रिक ही फर्स्ट स्पिन। और यहाँ पे फिर से हम गोल्ड रॉयल चलाते हैं और फिर से हम एक बार स्पिन और मारने आते हैं। पहले यहाँ पे मोको स्टोर में चलो एक स्पिन मार दे लें, 19 का मार लेते हैं, चलो क्या निकलेगा इसमें। अरे यार यही देना था इनको लोगों को, चलो कोई ना, फिर से स्पिन मारते हैं हम 40 का। अब की बार पक्का कोई रेयर आइटम देना गाइस, प्लीज़ एक रेयर आइटम। वाह क्या रेयर आइटम है, वाह वाह, कोई ना। अब लास्ट स्पिन हम मारते हैं, देखते हैं अगर इसमें रेयर आइटम निकला गाइस। स्ट्राइक करके जाना, देखो गाइस स्पाइक निकली है इसके अंदर, मतलब कि ये ट्रिक काम कर रही है। देखा पहले पे निकला, दूसरे पे नहीं निकला, तीसरे पे भी नहीं निकला, मगर चौथे पे निकला, थोड़ा गैप करके आ रहा है। और आपको अब मेरे डायमंड भी ख़त्म हो गए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा के जाना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।